गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। यह बात गांधी जी को जब पता चली तो वे आमरण अनशन पर बैठ गए। उसके बाद अम्बेडकर को मनाने के लिए कांग्रेसियों ने बात किया। अम्बेडकर फिर 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में गांधी जी से मुलाकात किया और गांधी जी अपनी मांगों उसके बाद अम्बेडकर ने अपनी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब गांधी जी की बातों को मान गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग की जगह पर कम्युनल अवार्ड की जगह पर आरक्षण की बात को स्वीकार किया। सांप्रदायिक पंचांग की जगह पर आरक्षण की बात को स्वीकार किया। उन्होंने विधानसभा में 71 सीटों की जगह पर 147 या 148 सीटें देने को कहा और केंद्रीय विधानसभा में 18% आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया। इस समझौते पर डॉक्टर अम्बेडकर मदन मोहन मालवी चक्रवर्ती राजगोपालचारी और देवदास इत्यादि लोगों ने सिग्नेचर किया, लेकिन महात्मा गांधी इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। गांधी जी अनशन पर बैठे थे 20 सितंबर 1932 से 26 सितंबर 1932 को 32 तक। उसके बाद 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को यह आश्वासन दिया कि हम इसे ब्रिटिश संसद से पास करवा देंगे। इसी समझौता को पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पढ़ा था, गांधी जी कहाँ पर थे जब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने जा रहे थे। इस बात की जानकारी जब अंग्रेजों को हुई तो उन्हें पूना के यरवदा जेल में कैद कर लिया गया। तो पूछा जाता है पूना पैक्ट में क्या हुआ था। पूना पैक्ट में ये हुआ था कि जो निर्वाचक मंडल की अलग से निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, उसको गांधी जी ने कहा कि ना लागू किया जाए बल्कि इसकी जगह पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाए। ये पूछा जाता है कि किताब आरक्षण विधानसभा में किताब आरक्षण की बात कही गई थी 71 से बढ़ा करके 147 या 148 सीटें दी गई और केंद्रीय विधानसभा में 18% आरक्षण की बात को स्वीकार की गई थी। तो और पूछा जाता कि इस समझौते पर कितने लोगों ने साइन किया। इस समझौते पर 5 लोगों ने साइन किया था, उसमें महात्मा गांधी जी की साइन नहीं थी। जब पूना पैक्ट हुआ था तो गांधी जी कहाँ पे बंद थे। गांधी जी पूना के यरवदा जेल में बंद थे। ओके, थैंक यू।